है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं सीतामढ़ी से तो मुजफ्फरपुर तक आ गए, और अभी मुजफ्फरपुर से ना हम लोग जा रहे हैं आज थावे जंक्शन, और मुजफ्फरपुर से थावे जंक्शन का ना आपको जर्नी दिखाने वाले हैं। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए, डटे रहिए। और थावे इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे ना थावे वाली माई है, थावे धाम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम आपको थोड़ा दिखाते हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन का व्यू। तो ये देखिए, ये है अपना मुजफ्फरपुर जंक्शन, जो कि बाहर से देखने में कुछ ऐसा है। और अभी चलते आपको रेलवे स्टेशन पर, दिखाते हैं कि मुजफ्फरपुर जंक्शन कैसा है, और फिर पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे मुजफ्फरपुर टू थावे तक। दोस्तों देख सकते हैं कि इधर ना आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, और यहीं से टिकट कटवा के ना आपको ट्रेन में जाना चाहिए। एवरीवन, ये देख सकते हैं, ये है अपना मुजफ्फरपुर का ना प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि कुछ ऐसा दिखता है आपको। और अभी हम लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है मुजफ्फरपुर जंक्शन का ओवरब्रिज से जो व्यू दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और अपना गाड़ी ना 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो अभी हम लोग चलते हैं 3 नंबर पे। दोस्तों अपनी जो गाड़ी आ रही है ना, वो टाटा नगर से थावे तक जाने वाली गाड़ी आ रही है, जो टाटा नगर से मुझे गाड़ी का नंबर है 1। धन्यवाद। 2 घंटा ट्रेन नंबर 1 अपना गाड़ी टाटा नगर टू थावे वाली आ चुकी है अभी, और हम लोग अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर, बैठते हैं। जनरल का टिकट कटा हुआ है, वो जनरल में ही जाएंगे। अभी हम लोग ना ट्रेन में बैठ चुके हैं, और ट्रेन में ना कोई भी भीड़ नहीं है, मतलब जनरल में ही ना हम लोग मस्ती से जाने वाले, जनरल में ना स्लीपर वाला मजा आने वाला है। और ये देखिए अपना साइमन फ्रेंड ना पानी पीने में लगा हुआ है लिट्टी खा के, और ये अपना सूरज ब्लॉग सपोर्ट है, जो कि काफी ग्रो करने में लगा हुआ है और ग्रो करना चाहिए। है दोस्तों अभी ना मुजफ्फरपुर से ना टाटा टू थावे वाली ट्रेन खुल चुकी है। भाई लोग फाइनली ना हम मुजफ्फरपुर से ना 6 से 7 घंटा का ट्रेवल करके ना ट्रेन से फाइनली थावे जंक्शन पे पहुंच गए। थावे जंक्शन कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे घास वास उगा हुआ है। ये देखिए, ये अपना थावे जंक्शन, यहाँ पे रहती है थावे वाली माई, जो कि मतलब उनका ना कहानी बहुत ही अद्भुत है। तो अभी ना हम आपको दिखाएंगे थोड़ा थावे जंक्शन का व्यू, और फिर दिखाएंगे थावे धाम। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए और डटे रहिए। तो देख सकते हैं, ये है थावे जंक्शन का ना कुछ अतरंगी खतरनाक व्यू, मतलब काफी अच्छा स्टेशन है। और आपको एक थावे जंक्शन पे आके थोड़ा भी नहीं लगेगा कि आप शहर में हैं, बस आपको लगेगा कि आप अपने गांव घर में घूम रहे हैं। और वो देखिए थावे जंक्शन का बोर्ड। तो दोस्तों मुजफ्फरपुर से थावे जंक्शन तक के जर्नी को, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।